तो यार ये जो आप टीका देख रहे हो हम दोनों के माथे पे, ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि हमने मुक्तिनाथ का दर्शन किया, मुक्तिनाथ जी का। और अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा मुक्तिनाथ जी का दर्शन कराया है, सारी बातें बताई है, तो वो आप अपने अगर नहीं देखी है तो देख लेना। ये बेसिकली जो व्लॉग है नेपाल की 11th व्लॉग है, और अगर आप मुस्तांग की बात करूँ तो 6th व्लॉग है। और अभी क्या करना है, अभी हमने सब कुछ यहाँ से पैक करना है, ये अभी फिलहाल हम मुक्तिनाथ में हैं, यहाँ से निकलते हैं जाते हैं। हमने यार सोचा तो है बेनी पहुँचने का, बट ट्राई करते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, इसका भी नाम है शुभम, बिल्कुल। और अभी हम हैं मुक्तिनाथ में, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SJ व्लॉग्स। अभी फिलहाल क्या करना है, ये जो भी सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है इसको इधर हटाओ, और ये सामान देखो, ये जो भी बिखरा हुआ है इसको बाइक पे लोड करते हैं। अभी हमने कुछ खाना नहीं खाया है, बिल्कुल, हमने सोचा है जॉमसम में जाके खाएंगे। तो अगर जैसे आप मुक्तिनाथ आ रहे हो और आपको मान लो जैसे स्टोरीज वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है, तो ऐसे छोटे घर पे मत रहना, ये लोग पागल बनाते हैं ये कह के कि आप आ जाओ, वाईफाई अभी नहीं चल रहा है, थोड़ी देर बाद चलेगा। कभी नहीं चलता वाईफाई, इन्होंने पैक ही नहीं ले रखा है, बस राउटर लगा के, राउटर लगा हुआ है बस, तो सिग्नल आता है सिर्फ। आप थोड़ा आगे चले जाओ, बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे, थोड़े पैसे ज्यादा होंगे लेकिन आप इंटरनेट से, इंटरनेट के थ्रू पूरे दुनिया से कनेक्टेड रहोगे। तो बिल्कुल भाई फटाफट कर ले पैकेज, वैसे बिल्कुल, फटाफट कर ले पैकिंग, मैं तो रेडी हूँ। तो अभी मैं भी रेडी हूँ, नीचे से ऊपर से ये रेडी है, मैं नीचे से मैं, तो अभी सामान लोड करते हैं, मिलता हूँ मैं आपको बाइक पे, और फिर खाना खाएंगे वहाँ पे। सो बाय बाय थिनी विलेज, और यहाँ से कागबेनी है 11 किलोमीटर, और उसके बाद आएगा जोमसोम, उसके ग्लव्स गिर गए थे। चलो तो यार वापस से हम आ गए जॉमसम, और जॉमसम में हम यहाँ पे ड्रीम्स गेस्ट हाउस में थोड़ा सा खाना वाना खा रहे थे, जो थकाली खाना होता है वो खा रहे थे, और अब यहाँ से निकलते हैं। यार यहाँ धूप बहुत ज़्यादा ही है, बहुत तीखी धूप है इनफैक्ट, तो वाईफाई भी नहीं मिला कोई ढंग का यार, स्टोरीज वगैरह भी अपलोड नहीं हुई। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और घासा चलते हैं, पेट्रोल भी लेना है अपने को, पेट्रोल हमारा, मेरा लो फ्यूल लेवल भी है, देखता हूँ रास्ते में कहीं मिला तो ले लेता हूँ। बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, और शायद ये हमेशा ही चलता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। जैसे एक होटल है होटल विंडी वैली, मतलब समझ लो यहाँ पे हवा हमेशा ही तेज़ चलता है, इसीलिए ऐसा नाम रखा गया है। यहाँ पे और भी है दो चार चीज़ें देखने लायक, पर वो नॉर्मल सी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, और यहाँ से अब सीधा निकल रहे हैं। और पीछे का रास्ता मैंने आपको दिखाया नहीं, ऑलरेडी मैंने पिछले ब्लॉग में दिखा रखा है, तो वापस रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से आज हम जितना अभी हमारा ये प्लान है कि जितना पॉसिबल हो सके पोखरा के पास जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल या तो बेनी या तो उससे आगे, वो फॉर द बेस्ट कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो यार देखो पानी का फ्लो कितना तेज़ है, हम तो इधर से चले जाएंगे लेकिन बस वगैरह जो बड़ी गाड़ी है उनको तो इधर से ही जाना होगा। हाँ ये देखो, और ये ओए 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 कहाँ आ गया मैं, अपने को इधर से नहीं जाना है क्या, अपने को इधर, अच्छा। तो यार वाटर क्रॉसिंग वापस से शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली रिटर्न में हम थोड़ा सा फास्ट अपने आप को रखते हैं, कि एक्चुअली होता क्या है कि जब आप जाते हो कहीं तो आपको एक्साइटमेंट होती है कि हाँ ऐसे जगह जाना है, ये है वो है, रिटर्न में आपने सब कुछ देख लिया होता है तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हो ताकि आप अगला डेस्टिनेशन देख सको। तो अभी हमारा प्लान जो है पोखरा जाने का है, पोखरा तो ऑब्वियसली हमें नहीं लगता हम पहुँच पाएंगे, बेनी यहाँ से 70 किलोमीटर है, तो आई होप बेनी तो पहुँच सकते हैं यार, बेनी तो हो सकता है आज, होप फॉर द बेस्ट, अगर आगे ज़्यादा ऑफ रोड नहीं मिले, स्लश नहीं मिले तो हो सकता है। तो अभी मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रेन शेडो एरिया के बारे में बताता हूँ। देखो ये जो एरिया है जिस पे अभी हम बाइक चला रहे हैं, ये पूरा ही एकदम देख लो कितना धूप है, और उधर देखो उधर पूरा बारिश के पूरे चांसेस लग रहे हैं। मुस्तांग बेसिकली एक रेन शेडो एरिया है, जैसे लद्दाख है, स्पीति है, जहाँ पे पानी का एकमात्र ऑप्शन बर्फ पिघलने से होता है। लद्दाख में बारिश कम होती है क्योंकि, और बारिश कम होती है और जो पानी का जो भी सोर्स है वो बर्फ से जो पिघल के पानी आता है वही है,
इसी तरह स्पीति भी सेम है और मुस्तांग भी सेम है। तो आप अभी जो मेरे सामने देखोगे, ये देखो आगे कितनी बारिश की पूरी संभावना है। देखो मतलब मेरे ख्याल से तो आगे बारिश हमें मिलेगी, अगर आज हम बेनी वगैरह क्रॉस करते हैं तो आगे हमें रोड से भी पता चल जाएगा कि बारिश हुई है। इससे ही पता चलता है कि ये जो एरिया है पूरा रेन शेडेड है बहुत। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो जाता है के कारण बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं नेचर में, तो उसके कारण रेन शेडो एरिया में भी थोड़ी बहुत रेन हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा ही हो जाती है। लेकिन देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि अभी एक मानसून का सीज़न है और यहाँ का जो वेदर है और उस साइड का जो वेदर है कितना डिफरेंट है। इनफैक्ट आप ऊपर भी देखो तो ऊपर बादल है। अभी जब हम कालो पानी पहुँचेंगे तो वहाँ भी आपको जो मौसम मिलेगा वो थोड़ा ऐसा मानसून सा मिलेगा, लेकिन इस एरिया को देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ एटलीस्ट एक हफ्ते से तो बारिश नहीं हुई है। जंगल हिंदी हिंदी इंग्लिश हमें रोजाना मिलता है। कहाँ जाओगे? बुक्सिगोला। कैसे कहाँ बैठोगे? बैठोगे कहाँ पे? बैठोगे कहाँ पे? हैं? ऊपर ऊपर कहाँ बैठोगे? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा असीम थकाली। असीम वो निकालो हम बोगेंगे। अच्छा और हम उधर चढ़ेंगे। अच्छा हम भी गिरेंगे तुम भी गिरेंगे। यहाँ स्कूल है? कहाँ पे? ऊपर। चलो छुट्टी हो गया स्कूल में या बंक मार है? छुट्टी हो गया, चलो बाय। क्या ही फर्क पड़ेगा यार, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका उल्टा जो टायर होता है वो साफ हो जाता है। तो यार ये जो वाटर क्रॉसिंग है अभी तक के पूरे राइड की सबसे ज्यादा बड़ी वाटर क्रॉसिंग है। भाई यार इसने रोक दिया। पानी चली गई भाई फुल ऑन। इसने रोका नहीं होता तो मैं एक बार में निकाल लेता, पर कोई बात नहीं। तो यार जो बंदा मेरे साथ आ रहा था पता नहीं उसके बाइक में क्या दिक्कत हो गई, देखे जरा अगर हेल्प कर पाए तो। अब देखता हूँ पानी कितनी फ्लो में आ रही है। व्हाट हैपेंड ब्रो? ओहो चेन टूट गया। अच्छा उतर गया, तो इसको उठा के वहां तो ले चलो कम से कम। तो भाई की चेन उतर गई है, टूटी नहीं है, और यार पानी बहुत ज्यादा है। यू नीड एनी हेल्प? नो हेल्प? ओके देन आई एम सेफ जोन सर। सेम टू यू ब्रो। बीबी जी के जो ये बूट्स हैं जो मैंने पहने हैं राइडिंग पर्पस से बेकार है, आप गलती से भी ये बूट्स ना लें, 8,000 रुपये आपके पानी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पानी में जाएंगे। तो अब बारी है पानी निकालने की। ये देखना, देखो बॉन्ड बाइकर वहाँ बैठा हुआ है। कल हमने यहीं से राइड शुरुआत की थी कालो पानी से, और हम कालो पानी पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। यहीं कुछ देर में वो भंडारी होटल आ जाएगा जहाँ पे हम रुके हुए थे, और उसके बाद से रास्ता माशाल्लाह। तो लो यार हम पहुँच गए कालो पानी। कालो पानी लेते और यहाँ से अभी पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, टाइम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, और मेरे बाइक का जो टाइम है वो गड़बड़ हो गया। तो अभी अपन जाएंगे घासा, वहाँ से पेट्रोल लेंगे क्योंकि पेट्रोल हो रहा है ख़त्म, पेट्रोल लेना पड़ेगा अपने को। प्रहरी चेक पॉइंट, अपने सवारी साधन की जांच तथा मतलब जांच कराए। भैया कितने देर के लिए बंद किया है?
साढ़े छः बजे खुलेगा। क्या बोल रहे हो? अरे हमें पोक अरे हमें पोखरा जाना है, दिल्ली से हाईवे देखो। अरे पागल है क्या टाइम हो रहा है अभी? रास्ता बंद। तो यार यहाँ पे तो बहुत बड़ा ही केएलपीडी हो गया है। हम सोच रहे थे पोखरा पहुँचने का और ये कह रहा है साढ़े छः बजे रास्ता खुलेगा, मतलब तीन घंटे हमें यहीं रहना है। तो भाई यार रिक्वेस्ट करते हैं यार हम घर पहुँच जाएंगे अपने यार, ऐसे थोड़ी चार चार घंटे थोड़ी रुकता है कोई। रोज कहाँ, जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन तो नहीं था ऐसा। अभी परसों ही तो तेल खलास हुआ। क्या हुआ? तेल खत्म हो गया था। अरे यार आज भी कर दो खत्म। अरे यार दो बाइक निकलवा दो ना, हमारा काम हो जाएगा। हमारे में डाल दो तेल। सुनो तो भाई दो बाइक निकलवा दो यार। अरे हम पत्थर हटा देंगे, हम हटा देंगे। क्या खड़ा है? चार मशीन खड़ी है यार। ऐसे चार चार घंटे थोड़ी ना बंद होता है यार, तुम मेन टाइम पे ही बंद कर। सरकार थोड़ी ना करता है, तुम्हारी मनमानी होगी है। सरकार तुम्हें टाइम देती होगी काम करने के लिए, तुमने यार तो तीन साल तुमने कम काम किए होंगे। हाँ तो तीन साल तुमने कम काम किए होंगे। अब दो साल में पूरा काम निकलवाओगे सारा है। बाद में वो सीटी साहब आके बोला वो टोपी को आता है। इधर 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 कौन बोल के गया? सिरोर साहब। क्या नाम है उनका? उनका क्या है मालूम नहीं। बताओ तो आपकी कंपनी का क्या नाम है? नाम नहीं मालूम है। कंपनी थोड़ी होता है यार। आपकी कंपनी का क्या नाम है? आपकी कंपनी का क्या नाम है? गजुरमुखी। गजुरमुखी कहाँ की है कंपनी? क्या कह रहे हैं की कंपनी है? इलम। देख लो यार नेपाल वालों क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये गलत है यार, चार घंटे इस तरह से नहीं रोकना चाहिए। आप दो घंटे रोको, एक घंटे रोको, चार घंटे थोड़ी ना कोई रोकता है। ये अभी अभी रुका है अभी। ढाई बजे स्टार्ट किया, साढ़े छः बजे तक काम करता रहेगा, ऐसे थोड़ी होता है यार। ये तो यार तुम्हारा सीन गलत है। भाई साहब आप यहीं के हो? हाँ ये हमेशा का सीन है ये। हाँ हमेशा का ही सीन है। चार चार घंटे रोक देते हैं। टाइम लगा रखा कल तो इसने साढ़े पाँच बजे पाँच बजे बंद किया था। आज कह रहा ढाई बजे से लेके साढ़े छः बजे तक बंद रहेगा। ये इतना ही नहीं है ना, ये नीचे तक काफ़ी देर दूर तक काम चल रहा है। हम जैसे क्या करें, चार घंटे खड़े रहे। हमने तो पोखरा जाना था आज। पोखरा तो आप आराम से पहुंच जाएंगे ना, हम लोगों तो करंट का काम है। आप कैसे आए हो? हमारे पास जीप है, बस है। तो बस और बाइक में डिफरेंस है ना, हम धीरे धीरे चलते हैं। दिन में चलना पड़ता है। ऐसा अब कुछ बोलने से फायदा तो है नहीं। हम लोग यहाँ भी ऐसे क्यों टाइम वेस्ट करोगे? थोड़ा पीछे जाके रेस्टोरेंट में आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स करो, चाय वाय पी लो। नेटवर्क भी उधर पकड़ लेता है, यहाँ तो है नहीं। हम तो बस हुए हैं, बस नेटवर्क भी नहीं आ रहा ना। यहाँ नहीं आ रहा, थोड़ा तक तो है, यहाँ तक तो टावर भी नहीं पकड़ रहा। बड़ा ही बुरा सीन हो चुका है भाई लोग, मुस्तांग में तो बहुत गंदा फंस चुके हैं। एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, बड़े बड़े पत्थर है यार। बात ये है कि बड़े बड़े पत्थर हैं।
ये देख रहे हो, इतने सारे को क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब अपने को करना यही होगा कि यहाँ पे कोई स्टॉप लेना होगा और इंतज़ार करना होगा शाम होने का, और साथ साथ में क्या से क्या हो गया जालिमा, इसको कुछ करना पड़ेगा वरना नेपाल में ही बाइक रोक लेंगे। सड़क निर्माण कार्य हुंदेछु बिहाना 6:30 से 11:30 और 2:30 से 6:30। देखो बिजनेस कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पे इस तरह से ये कटाई का काम शुरू हुआ है 12-15 दिन पहले, और यहाँ पे देखो छोटी सी एक कुटिया बना के रखी है जहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो टाइमिंग है 6:30 से 11:30 वहाँ पे लोग रुकेंगे, उधर भी एक बनी हुई है इधर भी एक बनी हुई है, फिर उनका टाइमिंग है 2:30 से 6:30 जो मेन आने जाने वाला टाइम है वो बंद करके रखा है ताकि लोगों का काम चले। और अभी अपने को यहाँ पे हो गए हैं करीब 2 घंटे, 2 घंटे में थोड़ी देर हम वहाँ बैठे फिर यहाँ बैठे, अभी 2 घंटे और वेट करने हैं। ये मुझे बड़ा बेकार लगा यार, ये चाहते तो हमें जाने दे सकते थे, वो साइड साइड से जो उन्होंने पत्थर रखा है वो हटा देते, जैसे इसने हटाया आगे हटा देता, उसके आगे हटा देता, तो एटलीस्ट बाइक निकल सकती थी, लेकिन नहीं, इन सब की सेटिंग है ढाबे वाले से, उधर वाले ढाबे वाले से, तो यहाँ पे काम चल रहा है। 30 का सामान 50 में मिल रहा है, 100 का सामान 150 में मिल रहा है, बैड लक ब्रो। कहाँ हमने सोचा था कि आज हम पोखरा पहुँचेंगे, क्या पता आप कहाँ पहुँचेंगे। अब हमें रास्ते में 2 बंदे मिले, आपका नाम क्या है? सौगात। आपका? दिवस। तो ये दोनों भी हमारे साथ जाएंगे अभी, हमारे चक्कर में ये भी मतलब हम लोग साथ में ही फंस चुके हैं। तो अभी साथ चलेंगे बेनी तक। तो यार फाइनली आफ्टर 4 आवर्स हम निकल गए हैं, शायद हम निकल गए हैं, शायद। यहाँ पे तो साफ है मामला। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जो स्लश वाली राइड थी वो अपने को रात में करनी होगी। चलो यहाँ भी फंस गए क्या? ओ भाई यार यहाँ भी काम चल ही रहा है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेपाल के जो लोग हैं वो काफ़ी सीधे हैं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन अगर दिल्ली हरियाणा में होता तो 1 तो 4 घंटे तक कोई रुकता नहीं, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे लोग रुकते, और फिर भी अगर 4 घंटे के बाद भी डिले होता। तो आप लोग कहाँ से आए? नेपाल से। वाव। नेपाल में कहाँ से? तो यार देखो मैंने जैसा अभी बोला नेपाली पीपल आर वेरी हेल्पफुल, अभी मेरा ये टूट गया है तो भाई ने कहा अभी मैं कर देता हूँ ये काम। ये कैसे करेंगे बात? अब यार कैसे करेंगे वो ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन भाई ने इतना एफर्ट लगाया यही मेरे लिए बहुत बात है। इंडिया होता तो कोई नहीं लगाता, दूसरा भी तोड़ देते दूसरा भी तोड़ देते भाई, बोलते नया लगेगा। थैंक यू सो मच। नेपाली पीपल वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सर। थैंक ओके सर, सी यू सून। तो यार देखो यार क्या बोलूँ अब मैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच नेपाल। ओके तो आज के इस वीडियो में मैंने यहीं तक रखा है, क्योंकि आगे का जो कंटेंट था वो बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसे 30-40 मिनट की वीडियो बनती, तो मैंने इसको यहाँ पे काटा है। मैंने आपको पूरा आगे का जो सीन है बहुत ही मैं आपको ये बताना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत ही डेंजरस सीन है, तो ये कल आप जो वीडियो आएगी आपको कल वीडियो में मिलेगी। आज के इस वीडियो में आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेपाल से मुझे बहुत प्यार मिला है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड अभी क्या है, अभी इस वीडियो को रैप अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी और आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ दिखाओ यार, शेयर करो, और नेपाल थैंक यू सो मच यार इतना सारा प्यार देने के लिए,
मिलते हैं गाइस नए वीडियो में। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, घंटी दबा दो ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके पास मिले। आपको फ़ोन में पैसे वैसे नहीं लगते, करके जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो में डेंजरस सीन्स के साथ।